प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने उदयपुर क्षेत्र प्रस्तावित कोल ब्लॉक को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। सिंहदेव ने बताया कि सरगुजा जिले के कोल ब्लॉक जो खुलने वाले थे, इन ब्लॉकों के विरोध में गांव वालों के द्वारा लंबे समय से प्रदर्शन और विरोध किया जा रहा था, जिसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से चर्चा की गई थी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा परसा कोल ब्लॉक के इंटेंशन फ्रेंड रखी कोल ब्लॉक जो कि प्रस्तावित थे, उनके खुलने के लिए उन्हें होल्ड करने की सहमति मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दे दी है। अब सरगुजा क्षेत्र में प्रस्तावित तीनों कोल ब्लॉक नहीं खुल सकेंगे। असमंजस की स्थिति बन गई थी क्योंकि ऐसा लग रहा था कि व्यापक आंदोलन है और जन सैलाब जनमत एक तरफ है कि आगे काम नहीं होना चाहिए। मैं भी वहां गया था, मैंने भी अपनी बात वहां रखी थी कि गांव वालों की राय के अनुसार ही काम होना चाहिए और मैं आगे खड़ा रहूंगा, कभी ऐसी परिस्थिति आएगी उसमें दिक्कत नहीं होगी। उस समय भी मुख्यमंत्री जी से बात हुई थी और मुख्यमंत्री जी ने भी ये कहा था कि नए कोई माइंस की एरिया में जाने की बात नहीं है, गाँव वाले नहीं चाहेंगे तो वहाँ पर माइन चालू काम नहीं होगा। जो वर्किंग माइन एक थी, माइन नंबर 15, 17, 18, इसमें गाँव वालों का लगभग 90% अपन माने कि उनकी सहमति नहीं है देने की, उस पर काम नहीं चालू करने की मुख्यमंत्री जी ने भी सहमति दी है, अपना विचार दिया है। जो चालू माइन थी जो रुक गई इस आंदोलन के चलते, नए क्षेत्र में और ना खोला जाए ये एक अलग मांग थी। जो चल रही थी माइन उसको भी रोक दिया गया, ये एक अलग बात हो गई। तो वहाँ के भी गाँव वालों से मैंने जब बात की तो वहाँ मत विभक्त है। कई लोग हैं जिनका कहना है हम नौकरी कर रहे थे, हमारी नौकरी दिलाइए, आपने बाबा आप आए आपने माइन बंद कर दी। मैंने कहा मैंने माइन बंद नहीं की, ना मैं माइन बंद कराने वाला हूँ ना माइन खोलने वाला हूँ, मैं लोगों की राय को आगे रखने वाला हूँ। मैं अगर जनप्रतिनिधि हूँ तो जो लोगों की राय आएगी मैं उसको आगे रखूँगा।